इंदौर में आयोजित पहले महिला लेखिका साहित्य समागम में देश भर से आई लेखिकाओं ने भाग लिया। घमासान.com ने की उनसे विशेष बातचीत। मैं डॉक्टर मीनाक्षी जोशी, मैं इंदौर से हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में संस्कृत की प्रोफेसर हूँ और रामा साहित्य की जो टॉक शो था उसके लिए आमंत्रित अतिथि वक्ता में मैं थी। साहित्य में आधुनिकता की परिभाषा, परिपक्वता और खुलापन, इस विषय पर एक अच्छा सारगर्भित टॉक शो हुआ और लगभग बाहर से आए हुए भी समस्त साहित्यकारों ने अपने विचार भी व्यक्त किए, मैंने भी रखा। और निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि साहित्य में आधुनिकता जो भी है उसमें परिपक्वता और खुलापन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों दृष्टि आधारित चीज़ें हैं। यदि हमारी दृष्टि परिपक्व है तो खुलापन भी हमें पसंद होगा, और यदि हमारी दृष्टि परिपक्व न होगी तो कितना भी खुलापन क्यों ना हो वह कभी भी हमें पसंद नहीं आएगा। और आधुनिकता का तात्पर्य यह तर्क बुद्धि से था, बुद्धि की स्वतंत्रता से था, बुद्धि की समानता से था, तार्किकता से था और तकनीकी से था। निश्चित रूप से वर्तमान समय में हम तकनीकी दृष्टि से भी बहुत आधुनिक हुए हैं, बौद्धिक परिप्रेक्ष्य में भी हम आधुनिक हैं, और जहाँ तक खुलेपन की बात है तो हमारे तर्कसंगत खुलापन हमें पसंद है और उसके हम हिमायती हैं। तो निश्चित रूप से यह जो टॉक शो था अपने आप में बहुत ही सार्थक था। मेरा नाम वंदना गुप्ता है, मैं इंदौर से हूँ। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, हर विधा को उसमें टच किया गया है, लघु कथा को, काव्य को, और जो अभी ओपन मंच था वो तो बहुत ही अच्छा था, चर्चा जो थी तो सभी इस तरह से मुझे तो बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। जी मेरा नाम राजन कुमार गुप्ता है, मैं इंदौर से ही आया हूँ और इस कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूँ, और इस कार्यक्रम को देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पर पूरे प्रदेश से, पूरे भारत से तमाम प्रकार के पत्रकार आए, वो अपने लेखक लोग आए हैं और अच्छी विषय काफ़ी अच्छे थे इसकी और काफ़ी अच्छा लगा। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला बरगली है, मैं आज पहली बार इस मंच पर यहाँ आई हूँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सब महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किए और उनको सुनकर मुझे अच्छा लगा और बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने अपने विचार सबने व्यक्त किए और प्रश्नोत्तर भी हुए और उन प्रश्नों का जवाब भी सबने बहुत अच्छी थी। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर विद्यावती पाराशर, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, पाराशर नगर की, और ये वामा साहित्य मंच की मैं सदस्य हूँ, इससे आई हूँ। और आज का जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाओं का इतना आगे आना, आगे आकर साहित्य में इतना हस्तक्षेप करना और साहित्य के बारे में इतनी उच्च जानकारियाँ रखना, और ग्रंथ और अपने कुमार संभव, कालिदास, इनकी जो बातें हो रही है, वेदों की जो बातें हो रही है, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम हमेशा इंदौर में होते रहे महिलाओं के लिए, तो उससे क्या महिलाएं आगे बढ़ेगी और अपना जो रोज़मर्रा का काम है उसे छोड़कर थोड़ा और आगे प्रगति करेगी, अध्ययन के बारे में थोड़ा और सोचेगी। धन्यवाद। मैं श्रीमती ब्रजराज व्यास, वामा क्लब की मैं मेंबर हूँ और पिछले 3 साल इससे जुड़ी हुई हूँ। यहाँ आने के बाद मेरा मतलब काफ़ी मेरे सोच में काफ़ी वृद्धि हुई है, और ये जो अभी आज का जो कार्यक्रम है, कल भी होने वाला है, कार्यक्रम बहुत अच्छा है। बाहर से काफ़ी मतलब महिलाएं आई हुई हैं, लेखिकाएं हैं और बहुत विद्वान जो जा रहे हैं उनको रोको सबको, उनके विचार सुन के बहुत ही मतलब मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। थैंक यू। मैं सुमन अधिकारी वामा साहित्य मंच के सदस्य हूँ और प्रोग्राम हमारा आपका बहुत सुंदर है, सब इतनी विदुषी महिलाओं को सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। मैं आशा मुंशी वामा साहित्य मंच से हूँ, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, ये मंच मुझे आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि दोनों ये .com और वामा साहित्य मंच दोनों ने मिलकर जो कार्य किया प्रशंसनीय है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चित्रा जैन उज्जैन से हूँ और ये वामा साहित्य मंच और घमासान.com वाकई में इनकी जो संयुक्त प्रयास से आज का ये जो कार्यक्रम हुए पूरी तरह से सफल कार्यक्रम रहा। जितने भी सत्र सुबह से लेकर अभी तक के आयोजन किए गए हैं, आयोजित हुए, वो सब बहुत ही सुंदर और सीखने लायक स्थिति बनी है।
काफ़ी कुछ साहित्य के बारे में साहित्यकारों से मिलना जुलना, ये एक ऐसा मंच ही अपने को अच्छे स्तर पर ला सकता है और अच्छे लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलता है, कुछ सीखने का। थैंक यू सो मच। मैं उज्जैन से सीमा जोशी, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वामा साहित्य मंच और घमासान.com का जो संयोजन रहा, एजेंट संयोजन, ये बहुत अच्छा लगा और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस बहाने यहाँ पर सबका मिलना हुआ। मेरा नाम मधु जैन है, मैं जबलपुर से आई हुई हूँ। ये कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम था, मुझे तो इतना आनंद आया। बहुत सारी चीज़ें एक तो मालूम चली, अभी जो डिबेट हुआ, डिबेट में ये मालूम चला कि हम लघु कथा में कितना खुल सकते हैं, या मैं लघु कथाएँ ज़्यादा लिखती हूँ तो हमको किस हद तक खुलना है और कितने यानी उसके साथ परिपक्वता लाना है, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो एक समाज का दर्पण है। हम बताना चाहते हैं जो विसंगतियाँ हो रही हैं उनसे हम कैसे निपटें और उसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। बहुत इन सब का मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और कार्यक्रम बहुत अच्छा बहुत सफल है। मैं बकुला पारे बामा साहित्य मंच की सदस्य हूँ और ये जो आयोजन हुआ ये प्रथम बार मध्य प्रदेश में और शायद भारत में भी प्रथम बार हुआ है और आशा करती हूँ कि ऐसा आगे भी होता रहे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें पुरुष साहित्यकार भी आए, उन्होंने भी इसको सराहा, इस कार्यक्रम को बहुत सराहा। और चूंकि हम लोग थोड़ा रजिस्ट्रेशन के कार्य में व्यस्त थे, आना जाना करके हम सुनते रहे, लेकिन एक ये आशा है कि घमासान.com ने जो रिकॉर्डिंग किया है हम उसको देख के और उसका पूरा आनंद लेंगे। आज का जो इंदौर का कार्यक्रम है अपने आप में गति में और एक साथ पूरे देश भर की जो रचनाकारी इकट्ठी हुई है अलग अलग विधा की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस यही है कि ये इसमें जो शुरू हुआ है इसको आगे बढ़ाते जाए, ऐसा ना हो कि ये एक दिन का कार्यक्रम कल निकल जाए। और इसके लिए मेरा राय है कि सबके पते स्टेशन के हिसाब से संपर्क बना रहे और कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे भी अलग अलग शहर में होता। मैं राजस्थान से आई हूँ, अलवर शहर से, और यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावी और बहुत ही संवाद को एक ऐसे स्टेज पर लाने, एक ऐसे मंच पर लाने का कार्य इसने किया है जिसमें विभिन्न प्रकार से और विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली जितनी भी महिला साहित्यकार हैं, कम से कम उन्होंने एक दूसरे से संवाद स्थापित किया, मिले, बातचीत की और कहीं ना कहीं कुछ विषयों के संदर्भ में आपस में अपने अभिव्यक्ति का एक माध्यम बना। मैं अलवर राजस्थान से डॉक्टर कुमकुम कपूर। कौन सी इसमें आप और इस घमासान.com जो प्रायोजक है ना, इस कार्यक्रम के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सफल और बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम रहा है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली जो महिला लेखिकाएँ, महिला साहित्यकार हैं, उनको आपस में एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए एक बहुत ही सुखद मंच प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, बहुत सुव्यवस्थित और समय पर चालू हुआ, समय पर पूर्ण हुआ, ऐसा लगा। महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम, एक अलग से जो एक फीलिंग है वो ये कि आमतौर पर जो लेखक होता है वो अपने आप को प्रस्तुत करता है कहीं ना कहीं, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लेखक को भी अपने आप को कुछ कहने की कोई जगह चाहिए, उसके अंदर भी, लेखक के अंदर भी एक कोई अनुभव छुपा होता है। और वो स्थान आज जो है वो तमाम लेखिकाओं को जो मंच दिया गया और उन्होंने जो अनुभव साझा किया वो बहुत ही उपयोगी और बहुत अच्छे लगे सभी लोगों को, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम सुमन अधिकारी है, मैं वामा साहित्य क्लब की सदस्य हूँ और कार्यक्रम अपने आप में बहुत गरिमापूर्ण और बहुत सुंदर रहा और सब ने अपने जो विचार व्यक्त किए या जो भी यहाँ पर कार्यक्रम हुए काफ़ी उच्च कोटि के कार्यक्रम रहे और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम हम लोग तो करते ही रहते हैं। हमारे आमा साहित्य से ये कार्यक्रम प्रसारित होते ही रहते हैं और हम हर माह हमारे कुछ कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं और सब मिला के कार्यक्रम बहुत सफल रहा और गौरवपूर्ण रहा। मैं सुजाता देशपांडे, मैं वामा की सदस्य हूँ और हमारी गतिविधियाँ को पूरे साल भर चलती रहती है और लेखन भी मेरा एक काम है। अब
वो भी एक अपनी हॉबी के रूप में मैंने लिया है। मैंने 3 किताबें मेरे हुए, एक काव्य की, एक कथा की और एक बच्चों के नाटक भी लिखे हैं। और सतत सृजन करना ये एक मनुष्य की आवश्यकता रहती है। अपने अंदर जो जो विचार आते हैं उसको व्यक्त करना, जैसे हमारे में जो भावना आती है वो व्यक्त करना, हमें गुस्सा आता है तो अपने आप हम प्रतिक्रिया करते हैं, वैसे ही जब हम समाज में कोई बात हमारे दिल को छू जाती है तो उसको व्यक्त करने के लिए हम हाथ में कलम लेके और कागज़ की तरफ बढ़ी लेते हैं और उसको कागज़ पे उतार लेते हैं। और ऐसे ही आज बहुत सारे लेखिकाएँ, विशेष करके इसका मुझे आनंद है कि स्त्रियों के लिए एक बढ़िया मंच उपलब्ध हुआ है और इसलिए घमासान.com भी साथ में है, तो इन दोनों ने मिला के बहुत ही सुव्यवस्थित और अच्छी तरीके से इसको संपन्न किया है और मैं इसलिए इन दोनों को बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।